ये घर जाके देखो समस्या है। आपके पास लाइसेंस है किसी F1 से F2 के दरमियान में, ठीक है, और उसका F2 माइनस F1 इज द बैंडविड्थ। तो बातें ना करें, बातें करें, दरमियान में बैंडविड्थ, ठीक है, इसमें फर्क है। अगर आप डेटा रेट और कैपेसिटी इन दोनों को समझते हैं कि एक सेम चीज है तो ये गलत है। कैपेसिटी सड़क लाइक कितने आपके पास विड्थ ऑफ द चैनल है, और डेटा रेट मीन्स कि उस पर सिग्नल कितना फास्ट या स्लो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सो बैंडविड्थ 33 मेगाहर्ट्ज़ का है, 25 किलोहर्ट्ज़ के आपने चैनल बनाने हैं, और एक चैनल और दूसरी चैनल के दरमियान में गार्ड बैंड भी होता है, ठीक है। इसमें तो नहीं है, बट लाइक 1 किलोहर्ट्ज का या जितना भी रखना है। यहाँ पर आपका वॉइस चैनल या डेटा चैनल से हटके एक आपका कंट्रोल चैनल है। डू यू नो द डिफरेंस? कंट्रोल चैनल क्या करेगा? कंट्रोल प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। खासकर लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि हैंड ऑफ के दौरान यूजर को पता न चले और वो पूरा प्रोसेस हो जाए, ठीक है, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे पहले कि यूजर होस्ट जो है ये अभी विजिटर वाली उसमें जाएगा, फिर उसका सारा डाटा ट्रांसफर होगा और फिर ये सब कुछ। सो कंट्रोल चैनल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उसको एट टाइम्स हम नंबर ऑफ चैनल्स भी ज़्यादा रख सकते हैं कि उसमें कॉल ब्लॉकिंग प्रॉबिलिटी उसमें जीरो हो ऑल द टाइम। फ्रिक्वेंसी तो आप ये जो टोटल 33 मेगाहर्ट्ज़ का है इसको आपने कंट्रोल चैनल को आप कोई भी दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं ये बात कर रहा हूँ, ये आपका टोटल पैकेट है, ठीक है। दिस इज F2, दिस इज F1, दैट्स अबाउट 900 है, और ये जो भी ऐड अप कर लें, बट द टोटल वेट इज 33 मेगाहर्ट्ज़। दिस इज 923। ये सारी फ्रिक्वेंसीज है, ठीक है। अब चैनल कंट्रोल चैनल को पहले अगर आप कंट्रोल चैनल बना लें तो ये फ्रिक्वेंसी आपने कंट्रोल को दे दी, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं पहले कि टोटल में से कितने आपके पास चैनल बनेंगे, कितने कंट्रोल चैनल बनेंगे, कितने वॉइस चैनल्स बनेंगे। अगर आप एक स्कीम इम्प्लीमेंट करते हो या दूसरा स्कीम इम्प्लीमेंट करते हो या तीसरा, और ये आज की क्विज में था कि मुझे कैपेसिटी चाहिए, ये मेरी लिमिटेशन है। और ये जो सेलुलर आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे थे कि अगर आप नंबर ऑफ सेल साइज आप कम या ज्यादा करो, या वो पैरामीटर जो कामरान से पूछ रहा था वो सामने नजर भी आ रहा था, एक उसमें n है, व्हाट इज n? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इन व्हाट? क्लस्टर, इन अ क्लस्टर, क्लस्टर टोटल एरिया में नहीं, ठीक है। डायग्राम ड्रा करके सब आप समझ जाएंगे। नहीं, वो आपने डायग्राम मोस्ट स्टूडेंट्स से बनाया है, ठीक है। फोर सेल रीयूज, अब यहाँ से ये एग्जांपल है, बेसिकली एग्जांपल पे आप ये दे सकते थे कि अगर फोर सेल रीयूज है, ये चैनल है, इतने यूजर बन रहे, मैं 7 सेल रीयूज करता हूँ तो क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मसला क्या होगा? इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस भी फेज में था। तो आपने दोनों को आपस में इस तरह रिलेट करना था
कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों की क्या है, ठीक है। और यहाँ पर अभी नंबर से रिलेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पढ़े मेगाहर्ट्ज़ बैंड विड्थ, 25 किलोहर्ट्ज़ इज द सिंपलेस्ट चैनल, फुल डुप्लेक्स वॉइस एंड कंट्रोल चैनल्स कंप्यूट द नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल इन द फर्स्ट केस, फोर सेल रिव्यूज, एन इज इक्वल टू फोर। अच्छा ये पार्ट बी है जो इसको बाद में देखते हैं। ये पार्ट वन एग्जाम में से लास्ट टाइम ये कर लिया था, ये भी रिवाइज हो गया। 33 मेगाहर्ट्ज़ यहां पर डुप्लेक्स चैनल है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे 33 डिवाइड बाय 50, सो वी विल गेट 660 चैनल्स। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने 660 के पार्ट्स बना दिए, क्लियर, विदाउट गार्ड बैंड, ठीक है। ये मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। सो अब आपके पास अगर फोर सेल रीयूज है, मतलब ये फोर सेल है, तो आपने 660 डिवाइडेड बाय 4 हर एक को देना, ये भी इक्वली डिवाइड हो गया, ये आपका इस क्लस्टर का सेल नंबर 1, फिर उसके बाद सेल नंबर 2, फिर उसके बाद C3 और C4, इसमें इक्वली डिवाइड हो गया। वो नंबर क्या है, 165 यूजर को यहाँ पर एकोमोडेट किया जा रहा है, यहाँ पर 165 को 165 ये 165 वो डायग्राम मुझे बताने के लिए इसमें है, क्यों डायग्राम मैं बार बार आपको कुछ ना कुछ जितनी भी हमारे इसमें नहीं है डायग्राम, क्लस्टर और सेल में आपको अभी तक फर्क नहीं है। ऐसा फर्क पता चल गया कि ज्यादा तेज कर रहा है ये एक क्लस्टर के अंदर रहते हैं, सेल्स के तरफ भी वो करेगा कि मतलब एक सेल्स के मान से सकता है दूसरा सेल। हां ये अब आपके पास एक क्लस्टर है, ठीक है, लिहाजा अगर हम ये C1 रख रहे हैं तो हमें दूसरे के साथ इंटरफेरेंस होगी, तो तभी इसको अलग रखते हैं। ये C1 यानी ये जो चैनल है यार डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देन C2, तो एक क्लस्टर के अंदर जो फोर सेल्स है उनमें हर एक में अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज किया जा रहा है, ठीक है। और हर सेल के अंदर हर यूजर का यानी हर चैनल का यानी 165 यूजर्स का उनका भी आपस में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चैनल मींस बैंडविड्थ और एक यूजर का बैंडविड्थ, ठीक हो गया। एक यूजर का बैंडविड्थ इस केस में 25 किलोहर्ट्ज फॉर ट्रांसमिशन एंड 25 किलोहर्ट्ज फॉर रिसेप्शन, सो टोटल 50 किलोहर्ट्ज डुप्लेक्स चैनल। ये सवाल तो सुन गया सर, हां जी सैम जी को कैसे बन गया का प्लान एंड ठीक हो गया। अब यहाँ से वाजे है कि आपके पास जब आप रीयूज डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ चैनल्स कम हो जाते हैं, रीयूज डिस्टेंस n इज इक्वल टू 7 n इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है ना कि आपने इसको यहाँ पर ज्यादा सेल्स में डिवाइड करना है तो हर एक में कम कम मिलेंगे, लेकिन टोटल चैनल एक क्लस्टर में 660 है। नेक्स्ट, अ 1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑफ कंट्रोल चैनल एम्प्लाइज दैट देयर आर, पार्ट बी में आपने अभी इसका कंट्रोल चैनल भी रखा है, देयर आर 1000 डिवाइडेड बाय 50 20 कंट्रोल चैनल्स। अब इसका पार्ट बी पढ़ते हैं, पार्ट बी कह रहा है कि अगर 1 मेगाहर्ट्ज का आपका कंट्रोल चैनल है, if 1 megahertz of the allocated spectrum is dedicated to control channel, 33 megahertz mein ab maine 1 megahertz dena hai aur 32 jo hai ye voice ke, theek hai, kyunki control channel bhi usi bandwidth license mein se denge na, theek hai। If 1 megahertz of the allocated spectrum is dedicated to control channel, determine the available distribution of control channels, कितनी कंट्रोल चैनल्स टोटल बन सकते हैं और वॉइस चैनल इन ईच सेल। अब ये हर सेल का कंट्रोल चैनल होना चाहिए क्योंकि ये जो सेल टू सेल आपस में कम्युनिकेशन है
ये दैट वुड बी परफॉर्म यूजिंग द कंट्रोल सेल. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कैसे होगी सर? ये हर सेल के अंदर हम टॉवर यूज कर रहे हैं जिससे सर इसके अंदर जो जो एंटीनास लगे हैं ये जो हमने हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया है उस सारे पे फिट आ रहा है. बातें ना करें सॉरी मैम, सर ये जो सेल के अंदर बातें ना करें, बातें कर दी आप चाहो सच्चे स्टूडेंट से तो बाहर जाए प्लीज. बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. ठीक है, और आई वुड लाइक कि मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूं. मैं पहले भी शायद कुछ कभी बताया हूँ लेकिन एंटेना इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. ठीक है, और एंटेना के लिए हमने जो पैरामीटर्स पढ़े हैं, जो आपने पैरामीटर्स का पूछा था ना, मैं समझता था कि आप ही प्रोपगेशन के पैरामीटर्स मैंने चले रहा हूँ. एंटेनास में व्हाट इज इम्पोर्टेंट यू नो दैट कि द साइज ऑफ द एंटेना, इन अदर वर्ड्स द लेंथ ऑफ द एंटेना, लेंथ ऑफ दिस एंटेना इज फिक्स्ड ऑन अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. सर लेटर लेंथ. ठीक है, ये पुरानी बात है, अब दुनिया बहुत आगे चल गई. ये तो कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक एंटेना आपने बनाया उसकी कितने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1 मीटर, और ये मैंने आपको बताया था कि ये 1 मीटर लेंथ कितनी लेंथ होती है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी लेंथ होती है, फिजिकल लेंथ होती है, इलेक्ट्रिकल लेंथ होती है. अगर लैम्डा 1 मीटर इसका इलेक्ट्रिकल लेंथ है, ठीक है, और आपने कुछ खास फिजिकल लेंथ भी रखा हुआ है, और अब ये किसी एक फ्रिक्वेंसी में आप एड कर रहे हैं, अब ये एंटेना इस चैनल में लगा हुआ है और आपकी फ्रीक्वेंसी ये नहीं है. इसका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैंने F1 चैनल दिया था, यहाँ पर F2 दिया था, अगर मैं इसको स्वैप करना चाहूँ तो क्या मुझे पूरे BDS को काट के इधर का उधर लेके जाना पड़ेगा और इधर पे इधर लेके आना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ आई? अगर इस चैनल में F1 फ्रीक्वेंसी है, इसमें F2 है, लेट सपोज मैं सब इन दो को स्वैप कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसका पूरा एंटेना उठाकर उधर लगा दूं, इसके इधर लगा दूं, क्योंकि ये अपनी फ्रीक्वेंसी का एंटेना है, वो सामने फ्रीक्वेंसी का है. तो ये सारे जो है इलेक्ट्रॉनिकली वेरिएबल है. ये जो इलेक्ट्रिकल लेंथ है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं. इसीलिए एंटेना किसी बैंडविड्थ को सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, पहली बात तो ये है. दूसरी बात यह है कि बहुत हाई स्पेशलाइज एंटेनास हो तो वो तो फिर माइमो स्कीम और उसमें तो और भी आपके पास वेराइटी है. यहाँ पर कंट्रोल और वॉइस सिर्फ आइसोलेशन है, यहाँ पर सिर्फ ये आइसोलेशन है बस, नथिंग एल्स. यानी अदर वर्ड्स, अगर आप लोगों ने यहाँ से नीचे जाना है तो 3 रास्ते हैं, एक दरमियान पे है, एक उस साइड पे है, एक इस साइड पे है. अगर दरमियान वाले को आप कंट्रोल चैनल कह लें, ठीक है, और आप सबको इंस्ट्रक्शन आ जाए कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ये कर सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स इस कॉर्नर से और उस कॉर्नर वाले स्टेयर से नीचे जाएंगे और फैकल्टी मेंबर जो है दरमियान वाले स्टेयर से नीचे जाएंगे, इट्स लाइक दैट. उसका क्या होगा कि एक तरफ आपने उस तरह उसको कंट्रोल कर दिया कि वो ऑल द टाइम अवेलेबल है, वहाँ पे कंडीशन नहीं हो. जी जी सर, ये जो एमडीएस के आपस में जो होता है सेट इन द पावर है कि आपस में कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट होता है, क्यों लाइन ऑफ साइट? हां, तो इसका मतलब ये कि जो बाकी चैनल पर प्रिंट करें वो लाइक ब्राउज़र एक्सेस जरूरी नहीं है, एंड ऑफ साइट जरूरी नहीं है सर. जरूरी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो डिपेंड कर रहा है. अब लाइन ऑफ साइट आपने कम्युनिकेशन करानी है या नॉन लाइन ऑफ साइट करानी है, वो मुख्तलिफ और चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है. नंबर एक उसमें है डेटा रेट,
यानी आपने ज्यादा कैपेसिटी के वो कैरी ऑन करना है या कम, फास्ट कैरी ऑन करना है या स्लो, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है या कम वगैरह वगैरह, तो वो और पैरामीटर है। ये जरूरी नहीं है कि कंट्रोल चैनल है तो आप उसको लाइन सेट कर देंगे, नहीं, आपको सिंपली मेक श्योर कराना है कि कंट्रोल चैनल जो है वो बिजी ना हो जाए, बस। कम्युनिकेशन क्वालिटी ऑफ सर्विस दोनों के हैं, क्योंकि ये जो बैंडविड्थ है ये ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी के साथ है ना, समझ आ रही है सर? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं सर, आप लोग बातें ना करें प्लीज, बाहर जाए कुछ नहीं कह रहा, आप नहीं सुनना, आपको कुछ और अपना प्रोजेक्ट करना है या कोई काम करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पता है, तो आप करें कोई मसला नहीं, लेकिन हमें डिस्टर्ब तो ना करें ना, अगर आपने कभी अपनी लगानी है सर। अगर एक दो बिजनेस का और आपस में डुप्लीकेट कर मैचिंग करें तो आपस में नेट हो गया, आपस में से बात कनेक्शन होगा तभी वो हैट्रिक प्रोसेस करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे वो दो बिजनेस का और वो दो कर रहे हैं सर, अगर कोई और बिटी सर्वर उसी टॉपर से द्वारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है जो कि बिजी है दो रियल, तो क्या तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में आएगा और इसको पता है कि किससे क्या है, हर एक का हेडर लगा हुआ है ना जी, एड्रेस लगा हुआ है ना जी, वो बिजी नहीं होगा किसी और से बात करते हैं तो एकदम वो क्या चीज नहीं, वो तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी तो बहुत तेज है ना जी। बेसिकली आप लोगों को एक इस कंप्यूटर के अंदर जब ये प्रोसेसर आपकी प्रोसेसिंग कर रहा है, मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ ना इसका बहुत बड़ा जो है ना वो कॉन्सेप्ट है कि आज से तकरीबन 20 साल पहले 2005 में 386 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, ठीक है, जब मैं बटन ऑन करता था तो तब भी स्टॉपवॉच लगा के 2 मिनट वेट करना पड़ता था या 1 मिनट और उसके बाद काम शुरू होता था, और आज जो है तकरीबन 12,000 मेगाहर्ट्ज व्हिच इज लाइक हाउ मच टाइम्स फास्टर, ठीक है, लैपटॉप है मेरा उससे भी ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर्स होंगे, उसका बटन दबाता हूँ तो फिर भी मिनिमम वो तकरीबन 30 सेकंड्स टू 1 मिनट वेट करना पड़ता है, हमारा 1 सेकंड 1 सेकंड में आपका वो बूट अप हो जाता है लैपटॉप। अच्छा आप कंजियर कह रहे हो, रेडी से सीखो, नहीं है ठीक है, लेकिन ये वाले कंप्यूटर के स्टूडेंट है ना कंप्यूटर ये कंप्यूटर की डोमेन की हम बात कर रहे हैं, इसको आप मिक्सअप नहीं कर सकते, जब ये वाला एंटिटी कंप्यूटर में कॉल एंटिटी किसी और एंटिटी में जो कि पिशावर में कोई कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है उसके साथ जब कम्युनिकेट कर रहा है तो अब यहाँ पर ट्रांसमिशन वाले जो डिले है या ट्रांसमिशन वाले जो पैरामीटर्स है वो इन्वॉल्व है, वो और कोई स्टोरी है, ये प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि ये जो एंटिटी के अंदर वो प्रोसेसर जो है, तो अगर कलरान आपने क्वेश्चन किया वो कहीं बातें करना, अब ये जो प्रोसेसर है इसको मल्टीटास्किंग जो है थाउजेंड्स में ही कर सकता है, अगर थाउजेंड चैनल्स भी हैंड शेक करना चाहे इसके साथ तो वो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लेगा, उसको पता नहीं चलेगा, समझ आई नहीं है, एक इसकी इंटरनल प्रोसेसिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड प्रोसेसर वो बहुत तेज है, और दूसरा यही जो एक दो हेलो मैसेज यहाँ से जब पिशावर जाना है तो मैसेज छोटा है उसको प्रोसेस करना मसला नहीं है लेकिन उसको ट्रांसमिट करना मसला है, यानी जब वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो इवन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा सबमिट करवानी है तो डेट तो कल की और कल तो ऑनलाइन है तो आप वो एक्सटेंड कर दो, एलएमएस भी एक्सटेंड कर या फिर पहले बताना था तो हम आज भी